रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में हैं। ABCD, इनमें से रोहन कौन है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ARC लड़कियां हैं क्योंकि उनकी छोटी है। D भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी है। B उन चारों में इकलौता लड़का है। एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामान की चोरी हो गई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वालों पर गया। उसने पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा कि उनके पैर में चोट है और वह व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा कि मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी चाची ने कहा मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। तो इनमें से चोर कौन है, चाचा, चाची या बहन? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैरों के निशान के साथ लकड़ी के निशान थे। जो लकड़ी की मदद से चोरी करने आया था, रोहन के चाचा के पैर में चोट थी, इसलिए वह चोर है। संदीप एग्जाम के पेपर जांच रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था, ऐसा लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की, उसको 4 लोगों पर शक गया। नौकरानी कियारा, माली सैम, पड़ोसी बिल, दोस्त लियाम। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 7718 लिखा था। ऐसा लगता है कि संदीप ने मारने वाले का सुराग छोड़ा है। तो संदीप का मर्डर किसने किया है? कियारा ने, सैम ने या बिल ने या लियाम ने? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।